नहीं, हमारी बहन कैसे इतना बहादुर हो सकती हैं? पहले इसका चीज का जवाब दें। बस मैं पहले जर्मनी गई थी, लेकिन आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स के लिए पुर्तगाल ही सबसे बेस्ट है, तो मेरे पेरेंट्स भी सपोर्टिव हैं, और दूसरा फिर मैंने खुद ही भी ये स्टेप लिया कि अगर मुझे डॉक्यूमेंट्स परमानेंट चाहिए तो मुझे पुर्तगाल जाना चाहिए। जब मैं आई हूँ लास्ट ईयर दिसंबर में, तो मैं खुद भी इतनी लेट हो चुकी थी कि अब सेफ वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं करी, जो प्रोटेक्शन है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, इसलिए मैंने भी इसी वजह से ही यहाँ पर ना फाइल लॉक वगैरह का सिस्टम किया था। अच्छा, हाँ। तो आपको अभी किसी किस्म का कोई बेनिफिट दे रही है यहाँ की सरकार? हाँ, यहाँ पर अगर आपका कोई, जैसे मैं चली गई थी कोविलिया, वो एक छोटी जगह है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और दूसरा यहाँ बगैर जॉब के तो आप नहीं रह सकते क्योंकि आपको टैक्स हर हाल में पे करना है, तो जॉब का भी यही प्रॉब्लम है, और स्पेशली लैंग्वेज बैरियर्स हैं, जब तक नहीं आती स्पेशली उन कंट्रीज़ में फिर भी है, आप इंग्लिश स्पीकिंग की जॉब्स यहाँ पर नहीं है, कॉल सेंटर में वो रेजिडेंस मांगते हैं, उसके बगैर आप जॉब नहीं कर सकते। आपका अभी रेजिडेंस आ गया यहाँ का? नहीं, अभी नहीं आया मेरा टाइम। आपने डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करवाए हैं? अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको अपने नए आज के ब्लॉग में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं पुर्तगाल के और शेंजन वीज़े के हवाले से, पुर्तगाल की इमिग्रेशन के हवाले से आप लोगों को आगाह करता रहता हूं, और आज मैं आपको एक अपनी बहन से मिलवाने लगा हूं। ये बहुत माशाल्लाह बहादुर हैं, और इतनी छोटी सी उम्र में अकेले सर्वाइव कर रही हैं, वो भी पुर्तगाल जैसे कंट्री में। तो इनसे पूछते ये हैं कि बहुत सारे जो मेरी बहनें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जितने एशियन रीजन से यहाँ आ रही हैं, तो इनसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ सकती है। पता है कि इस कंट्री में मैंने आदमियों को रोते देखा है, और एक छोटी सी बहन का यहाँ पे सरवाइव करना और हिम्मत बंधे रहना, ये एक बहुत मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। बहन कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? मैं पाकिस्तान मुल्तान से। पाकिस्तान मुल्तान से, अच्छा। तो यहाँ पे पुर्तगाल में पेपरों के लिए? हाँ जी, डॉक्यूमेंट्स के लिए आई थी मैं। हाँ जी। कितना अरसा हो गया आपको पुर्तगाल में यहाँ? मुझे ऑलमोस्ट 11 मंथ्स इधर हो गए हैं। 11 महीने हो गए। ज़रा प्लीज़ अब जो हमारी नई बहनें आ रही हैं उनको बताएंगी क्या परेशानी उनको फेस करनी पड़ सकती है जब वो यहाँ पुर्तगाल आती हैं। मैं बेसिकली यूक्रेन से आई थी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो मुझे पहले बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था क्योंकि मैं अकेले आई हूँ, ठीक है। तो अकोमोडेशन का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुआ, रोज़ का हॉस्टल्स चेंज करना, और अफोर्डेबल नहीं है किसी के लिए भी, और स्पेशली स्टूडेंट के लिए जो जॉब भी ना कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गाइड किया कि मुझे कोविला में जाना चाहिए। ओके, तो ये वहाँ प्लेस है कोई? हाँ जी, कैस्टिलो ब्रांको से आके है। तो वहाँ मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने अप्लाई किए, वहाँ शुक्र है मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल गए क्योंकि मेरी यूक्रेनियन प्रोटेक्शन क्लियर नहीं हुई थी। ओके। तो उसके बाद वहाँ पर जॉब का इशू था, वहाँ पर यह है कि सिर्फ आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह में ही जॉब मिलता है, और वो भी सिर्फ रेफरेंस है, अगर आप किसी को जानते हो तब आपको वो रेफ़र कर रहा है तो आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। तो फिर मेरे कुछ मेडिकल इश्यूज हो गए थे, उसकी वजह से मुझे लिस्बन आना पड़ा, फिर मैंने आगे यहीं पर कंटिन्यू किया, और अब ऑलमोस्ट 11 मंथ्स के बाद मुझे जॉब मिली है, ठीक है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, मुझे ये जानना है कि आपने यूक्रेन में काफ़ी टाइम आप रहीं, आपकी उम्र भी बहुत छोटी है, तो उसमें इतनी बहादुरी, आप पहले तो ये बताएं आई कहाँ से आप में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग? मैंने यहाँ आदमियों को रोते हुए देखा है, तो आप माशाल्लाह बहुत ब्रेव हैं, ये कैसे, आप एक पाकिस्तानी हमारी बहन कैसे इतना बहादुर हो सकती हैं? पहले इसका चीज़ का जवाब दें। बस मैं पहले जर्मनी गई थी, लेकिन आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स के लिए पुर्तगाल ही सबसे बेस्ट है, तो मेरे पेरेंट्स भी सपोर्टिव हैं, और दूसरा फिर मैंने खुद ही भी ये स्टेप लिया कि अगर मुझे डॉक्यूमेंट्स परमानेंट चाहिए तो मुझे पुर्तगाल जाना चाहिए। हाँ जी। तो अभी माशाल्लाह आपको जॉब मिल गई। एक बहन हमारी जो चाइना से यहाँ पर आई थी पुर्तगाल में, अब वो पाकिस्तान चली गई, तो उन्होंने आपकी बहुत हेल्प की इसमें जॉब में, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने ही मुझे बताया था कि अगर किसी लेडी को जॉब चाहिए तो मैंने इनको बताया, तो माशाल्लाह आपके रेफरेंस से जॉब हो गई। इसी तरीके से ये सिलसिले चलने चाहिए। नए आने वालों को क्या बताना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर वो यहाँ आना चाहते हैं तो एटलीस्ट उनका कोई यहाँ पर जानने वाला हो, ताकि उन्हें आते ही फ़ौरन, जैसे मैंने प्रॉब्लम सारी फेस की हैं, उन्हें एटलीस्ट ना करनी चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ जो डायरेक्ट पाकिस्तान से पुर्तगाल आती हैं वो ज़्यादा ही इतनी ओपन नहीं होती। मैं तो फिर थोड़ा टाइम यूक्रेन में रही हूँ, तो मेरे लिए फिर भी बेटर था, ठीक है। अच्छा, ये आपको लगता है ये सेफ़ कंट्री है अकेली किसी खातून के लिए या किसी स्टूडेंट लड़की के लिए, ये कंट्री सेफ है? हाँ, कंट्री सेफ है अगर वो किसी देसी साइड पे नहीं रहती, स्पेशली मार्टम होनेस। अच्छा, हमारे लोग तंग करते हैं, परेशान करते हैं जब कभी? हाँ, अगर मैं अकेली जाऊँ तो होता है, वरना नॉर्मली नहीं, अगर मैं किसी के साथ हूँ तो नहीं, ठीक है। अब ये पुर्तगीज़ लोग तंग नहीं करते, ये हमारे लोग ही हैं जिनको प्रॉब्लम है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, और इसके अलावा इन 11 महीने में सिर्फ आपको अभी जॉब मिली है, इससे पहले आपने कोई जॉब नहीं की? पहले मुझे जॉब मिली थी, लेकिन वही मैंने आपको बताया मेरे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, उसकी वजह से मैं नहीं कर सकी जॉब, फिर मैंने वो छोड़ दी, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारी बहनें इंग्लैंड में, डेनमार्क में, जर्मनी में स्टूडेंट वीज़े पे बैठी हैं और मुझे आए दिन फ़ोन करती हैं कि हम यहाँ की रेजिडेंसी लेना चाहते हैं,
तो उसके हवाले से एक थोड़ा सा ओवरऑल सिचुएशन बता देंगे, क्या प्रॉब्लम मेन उनको फेस करनी पड़ सकती है? प्रॉब्लम यही जो मैंने आपको पहले भी बताया कि अकोमोडेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और दूसरा यहाँ बगैर जॉब के तो आप नहीं रह सकते क्योंकि आपको टैक्स हर हाल में पे करना है, तो जॉब का भी यही प्रॉब्लम है, और स्पेशली लैंग्वेज बैरियर्स हैं, जब तक नहीं आती स्पेशली उन कंट्रीज़ में फिर भी है, आप इंग्लिश स्पीकिंग की जॉब्स यहाँ पर नहीं है, कॉल सेंटर में वो रेजिडेंस मांगते हैं, उसके बगैर आप जॉब नहीं कर सकते। आपका अभी रेजिडेंस आ गया यहाँ का? नहीं अभी नहीं आया मेरा टाइम। आपने डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करवाए हैं? करा दिया। अच्छा मेरी बहन ये बताइएगा, जो अभी यूक्रेन से लोग हमारे इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेश जो अभी भी वहाँ पर हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं इमिग्रेशन के लिए, तो क्या यहाँ की गवर्नमेंट उनको किसी किस्म का सपोर्ट कर रही है? जब मैं आई हूँ लास्ट ईयर दिसंबर में, तो मैं खुद भी इतनी लेट हो चुकी थी कि अब सेफ वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं करी, जो प्रोटेक्शन है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, इसलिए मैंने भी इसी वजह से ही यहाँ पर ना फाइल लॉक वगैरह का सिस्टम किया था। तो आपको अभी किसी किस्म का कोई बेनिफिट दे रही है यहाँ की सरकार? हाँ यहाँ पर अगर आपका कोई, जैसे मैं चली गई थी कोविला, वो एक छोटी जगह है, तो वहाँ के ऑफिसर्स में अपॉइंटमेंट्स जल्दी मिल जाती हैं, तो मैं गई थी सोशल ऑफिस टिग्रेंसा सोशल जो है, तो वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स में कोई सपोर्ट नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में कोई सपोर्ट नहीं है, वो सुना था एक साल का प्रोटेक्शन दे रहे थे ये लोग पहले। वो पहले दे रहे थे लेकिन अब जो आएंगे मेरा नहीं ख्याल उनका होगा, मुझे खुद भी नहीं क्लियर हुआ ना अभी। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों ये मैंने अंदाज़ा लगाया इनकी ये बात सारी सुन के कि जो भी हमारी बहन यूके इंग्लैंड इंडिया से आ रही हैं यहाँ पर, वो थोड़ा पैसा साथ लेकर आएँ, ये माइंड में रख के बात आएँ कि जिस तरह वो इंग्लैंड में इंग्लिश बोल के जॉब हासिल कर सकती थी, यहाँ यकीनन इनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, बट ये ज़रूर है कि यहाँ पेपर हैं, और हम इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश सब की तरफ से आपको आप ये कह लें बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स कहते हैं कि आप जो हैं इतनी हिम्मत करके इस कंट्री में रह रही हैं, आपको हम सब लोगों की तरफ से सलाम है। अभी पिछली वीडियो मैंने एक भाई की बनाई थी, आप मेरे चैनल पे देखिएगा, तो वो अच्छे खासे मैच्योर थे, बट उन्होंने डिसाइड किया, इंडिया से थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो वापस जा रहे हैं और वो वापस चले गए, तो बेस्ट विशेज़ फॉर यू, और हम सब दुआगो हैं कि परवरदिगार आपकी सारी मुश्किलें आसान करें। थैंक यू सो मच।